गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में टेक्निकल टेक पे। और गाइस, गाड़ी है अल्टो मारुति का, और गाड़ी में हॉर्न नहीं बज रहा है, तो अभी देखेंगे क्या है प्रॉब्लम। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, वीडियो को आप लोग स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को करते हैं आगे। तो देख सकते हैं हॉर्न बिल्कुल नहीं बज रहा है, तो अभी सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ को चेक करेंगे। तो इसका एक अंदर में फ्यूज़ बॉक्स है और एक है बाहर में। तो बाहर में आपका हेडलाइट वगैरह का होता है, हेडलाइट, इसके बाद एसी का। तो चलिए अभी अंदर का फ्यूज़ बॉक्स को चेक कर लेते हैं। तो ये रहा फ्यूज़, देख सकते हैं अलग अलग कलर, अलग अलग एम्पियर देख सकते। तो चलिए अभी हम इसको चेक करते हैं। अभी चेक करने का प्रोसेस कैसे है वो अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा मेरा टेस्टिंग लैंप, और ये टेस्टिंग लैंप से अभी हम फ्यूज़ को चेक करेंगे। तो ये चिमटे को लगा देना है, ऐसे बॉडी में चिपका देना है जहाँ पे इसको अर्थिंग मिल सके। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये रहा बल्ब, ये देख सकते हैं बल्ब भी जल गया। तो देख सकते हैं इस साइड में जला है लगाते ही। अगर इस साइड नहीं जलेगा तो इसका मतलब है ये फ्यूज़ ख़राब है। तो देख सकते हैं इसका दोनों साइड जल रहा है, इसका मतलब फ्यूज़ अच्छा है। अगर एक साइड जलेगा और एक साइड नहीं जलेगा तो इसका मतलब फ्यूज़ ख़राब है। तो ऐसे करके हम सब चेक कर लेते हैं। तो फ्यूज़ का कवर नहीं है, वरना एक ही बार में पता चल जाता है कौन सा फ्यूज़ किसका है। तो हम सब फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं, जो फ्यूज़ ख़राब होगा आपको बताएगा फ्यूज़ में प्रॉब्लम है ना क्या में प्रॉब्लम है। तो गाइस, आपका जितना फ्यूज़ है सब अच्छा है। तो अभी हमको बोनेट खोल के देखना पड़ेगा, बाहर में हॉर्न का वायर तो नहीं टूटा है। तो देख सकते हैं ये है हॉर्न, और वायर वगैरह तो ठीक है देखने में लग रहा है। तो चलिए एक बार इसका करंट को चेक कर लेते हैं, इसमें करंट है या नहीं है। अगर करंट नहीं होगा तो इसका वायरिंग में फॉल्ट हो सकता है, और ऐसे तो फ्यूज़ अच्छे हैं। तो अभी हमको करंट को चेक करना है। तो देख सकते हैं करंट आ रहा है, करंट ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट हॉर्न बजाएंगे, अगर नहीं बजेगा हॉर्न ख़राब है। तो देख सकते हैं मैंने ग्राउंड वाला जो वायर है इसको अभी हम हॉर्न में लगाए, तो हॉर्न बज रहा है। और ये है आपका करंट का लाइन, तो इसमें हमेशा करंट रहेगा। और इसमें जब हम लोग स्टीयरिंग को प्रेस करेंगे तो इसमें अर्थिंग आता है, और उसके बाद ही हॉर्न बजता है। तो हमको लग रहा है ये वायर में फॉल्ट है, तो ये वायर कोई में टूट गया होगा, या तो कोई में मिसिंग कर रहा है, स्टीयरिंग में शायद मिसिंग कर रहा होगा, या तो ये वायर कोई में टूट गया है। तो चलिए अभी चेक करके बताते हैं क्या में प्रॉब्लम है। तो गाइस, यहाँ का वायरिंग अच्छा है, तो वायरिंग का जो कवर है वो कवर को निकल के देखे है, वायरिंग कोई में टूटा नहीं है। तो मेरे ख्याल से यह का वायरिंग अच्छा होता होगा। तो अभी एक बार स्टीयरिंग खुल के देखते हैं, स्टीयरिंग का अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे एक पिन रहता है, वो पिन स्टीयरिंग का साथ में लगा हुआ रहता है, तो हमको लग रहा है ये पिन छुटा हो गया। तो पिन भी छुटा होने से ये आपका हॉर्न नहीं बजता, स्टीयरिंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है ये पिन छुटा होने के बाद। तो हमको लग रहा है ये पिन ही ख़राब हो गया होगा, या तो यह का वायरिंग में कोई फॉल्ट है। तो खुल के देखते हैं अभी क्या है। तो देख सकते हैं मैंने अभी स्टीयरिंग को खोल दिया है, और ये है पिन। तो ये पिन के बारे में हम बात कर रहा है, तो ये पिन ये स्टीयरिंग के साथ लगा हुआ रहता है ये जगह पे, तो ये रगड़ के खा देता है, और खाने के बाद ये छुटा हो जाता है। तो इसका भी प्रॉब्लम होता है, ये छुटाने के बाद हॉर्न नहीं बजता है। तो चलिए अभी सबसे पहले इसको एक बार डायरेक्ट बजा के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी हॉर्न बज रहा है, ये रॉड से मैंने अभी हॉर्न को अर्थिंग दिया है, तो हॉर्न बज रहा है। तो हॉर्न तो ठीक है, हॉर्न का कनेक्शन भी ठीक है। देखते हैं, हमको लग रहा है ये ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे ग्रीस लगा हुआ है और ये ग्रीस सूख गया है। और सूखने के बाद देख सकते हैं ये धागे की वजह से, ये जो काला धागे बैठ गया है इसकी वजह से हॉर्न शायद मिसिंग कर रहा है, नहीं बज रहा है। इसको एक बार सीरीज पेपर मार के देखते हैं। तो ये रहा सीरीज पेपर, तो देख सकते हैं गाइस ये सफा हो रहा है, जो काला जो धागे बैठ गया था तो ये अभी सफा हो रहा है। तो गाइस अभी देख सकते हैं मैंने इसको पूरा सफ़ा कर दिया है। तो पहले पूरा ये पूरा दागी दागी था, तो ये जो दागी था जो ग्रीस सूख गया था, और वो ग्रीस सूखने की वजह से इसमें अर्थिंग नहीं मिल रहा था, और इसलिए हॉर्न नहीं बज रहा था।
तो मेरे ख्याल से अभी हॉर्न बहुत ही बढ़िया से बाजेगा, तो चलिए लगा के देखते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हैं हॉर्न बहुत ही बढ़िया से बज रहा है, तो उसका ही प्रॉब्लम था, वो जो दागी बैठ गया था। तो चलिए अभी इसको टाइट कर देते हैं स्टीयरिंग को। स्टीयरिंग को मैंने टाइट कर दिया है और अभी ये कवर को लगा देता है। तो गाइस देख सकते हैं यह का वायरिंग को मैंने सेट कर दिया है और यह में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो गाइस अभी हॉर्न बहुत ही बढ़िया से बाज रहा है और गाइस फाइनली मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।